कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर रिवीजन कर रहे होंगे। आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। इसके संबंध में एक नोटिस वायरल हो रहा है जो जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए है और इस नोटिस में परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ कि नोटिस में क्या है और ये नोटिस कब का है। तो आप लोगों को बता दूं, ये नोटिस 30 मार्च 2024 का है, मतलब आज का ये नोटिस है। और इसमें ये जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए है। इसमें बताया गया है, इसका विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो इससे इसमें परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों का री एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी कर चुका है। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, सरकार नई सरकार बन जाती है, वैसे ही आप लोगों का री एग्जाम हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे विद्यार्थी सुस्त हो गए थे कि अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो हम स्टडी क्यों करें, एक महीने पहले पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 48 लाख फॉर्म हैं और वैकेंसी मात्र 7244 हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। और आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई एग्जाम कैंसिल होकर दोबारा होता है, री एग्जाम होता है, तो पेपर टफ होने की ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समय मिल जाता है स्टडी के लिए। तो उन्हें बच्चे किसी न किसी बात पे निकालने हैं उन्हें, तो उन्हें अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं उन्हें, तो जब बच्चे ज़्यादा निकालने हैं तो पेपर टफ बनाएंगे, तो री एग्जाम टफ होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी सो गए थे बीच में, अर्थात सुस्त पड़ गए थे और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो आप भी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए आज से, और अभी से पढ़ाई शुरू करना कर दीजिए। ये मत सोचिए कि जब डेट आ जाएगी री एग्जाम की तब हम स्टडी करेंगे। जो विद्यार्थी अगर ये सोच रहा है कि जब री एग्जाम की कंफर्म डेट आ जाएगी तब हम स्टडी करेंगे, उससे पहले एंजॉय करें अपनी लाइफ को, तो आप पूरी ज़िंदगी बस यही एंजॉय ही करते रह जाएंगे। आपकी जॉब नहीं लग पाएगी क्योंकि सिलेक्शन मात्र 7244 बच्चों का ही होगा। और इस नोटिस से यह भी बात सामने आ गई है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। और बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, कुछ को कम मिलता है, और कुछ विद्यार्थियों के नंबर कम भी हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में ऑनलाइन पेपर होने की वजह से। तो पेपर ऑफलाइन होगा, नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन की चिंता मत करिए और निरंतर अपनी मेहनत करते रहिए। तो आप लोगों का ये डाउट था कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ये डाउट भी आपका खत्म होगा। और आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी फिजिकल पहले होगा या एग्जाम पहले होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि 48 लाख बच्चों का फिजिकल कराना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप लोगों का एग्जाम पहले होगा, फिजिकल बाद में होगा। और फिजिकल में मात्र रनिंग होती है, तो लड़के तो ज़्यादातर रनिंग में पास हो जाते हैं, लड़कियों को दिक्कत होती है। तो जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं, अपनी रनिंग पे भी, स्टडी के साथ साथ रनिंग पर भी ध्यान दें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। और फुल उसका सॉल्यूशन देखा करिए आप लोग मॉक टेस्ट लगाते समय। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो मॉक टेस्ट का संपूर्ण मॉक टेस्ट का विश्लेषण करें कि हमारे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है और कौन से चैप्टर का है, और उसी चैप्टर को फिर से पढ़ लें। इससे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होगा और आपकी जो गलती होने की संभावना वो भी कम हो जाएगी। तो जो विद्यार्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वो किरण पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर ले सकते हैं। ये सॉल्व पेपर 2006 से 2020 तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं और इनका डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। और किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक भी ले सकते हैं, ये नवीनतम करंट अफेयर दे रखे हैं इस प्रैक्टिस वर्कबुक में, तो और डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। तो जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं ली है, वो ले सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी हिंदी में हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है तो हम क्या करें। तो आप लोग हिंदी का प्रॉपर रिवीजन करिए, और अगर हिंदी का क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आप लोग किरण पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले सकते हैं। इसमें 5600 प्रेस प्रश्न दे रखे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इतने प्रश्न कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत करने की संभावना कम हो जाएगी। और जीएस के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान बुक ले सकते हैं। इसमें काफ़ी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हाईलाइट करके दे रखे हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट टेबल फॉर्म में भी दे रखे हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये।
और जिनके पास अगर आप लोगों के पास पहले से जो बुक है उन्हें ही बार बार पढ़िए, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर हैं तो आप उन्हीं बुक से पढ़िए और निरंतर रिवीजन करते रहिए। रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए क्योंकि पढ़ते सब हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रिवीजन करते हैं। और मैं हर वीडियो में आप लोगों को रिवीजन करने की सलाह देती हूँ, सिर्फ इसलिए सलाह देती हूँ क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तब मॉक टेस्ट लगाना और फिर एक बार रिवीजन करके मॉक टेस्ट लगाना, आपको स्वयं ये अंदाजा लग जाएगा कि रिवीजन करने से आपके मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आए हैं और नहीं करने से मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हैं। तो यही आपका एग्जाम में है, अगर आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका एग्जाम होगा और अच्छा होगा, अगर एग्जाम अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और गर्ल्स आप लोग रनिंग पे भी ध्यान केंद्रित करिए क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत ज़्यादा तेजी में है, जैसे ही आपका एग्जाम होगा जल्द आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद में लगभग 1 से 2 महीने में आपकी रनिंग हो जाएगी, अगर भर्ती बोर्ड चाहे तो पहले भी आपकी रनिंग करा सकता है। तो इसलिए आप लोग रनिंग पे भी ध्यान दीजिए, सिर्फ पेपर क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर के साथ आपको रनिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी और मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर फाइनल मेरिट में आना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ कि स्टडी के साथ साथ रनिंग पर भी ध्यान दीजिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और प्रतिदिन अगर आप फुल मॉक टेस्ट ना लगा पाएं तो एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और उसका विश्लेषण कीजिए कि आपके कौन से क्वेश्चन और किस वजह से गलत हो रहे हैं और कौन से चैप्टर के हैं, और जिस चैप्टर के गलत हो रहे हैं उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए और एक बार फिर से मॉक टेस्ट लगाइए, आपका यकीन मानिए आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। ऐसे ही मैं करती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और आप जो विद्यार्थी सुस्त पड़ गए हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो सोवे वो खोवे, मतलब जो और जो जागे वो पावे, तो मतलब जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा और जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो निरंतर स्टडी करते रहिए, और मैंने एक लाइन लिखी थी कि स्वयं पर किया गया विश्वास आपको कभी गिरने नहीं देता, तो स्वयं पर विश्वास कीजिए कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए निरंतर स्वयं पर विश्वास करिए और निरंतर मेहनत करते रहिए, एक सीट हर हाल में लेनी है, हिम्मत नहीं हारनी है और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना है। जब भी आपका पढ़ाई में मन न लगे अपने माँ की तरफ देख लीजिए कि अपने आपकी माँ की उम्र बढ़ती जा रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी माता और पिता को गर्व महसूस कराना है। और एक सरकारी जॉब की कीमत तो आप लोग जानते हैं, सरकारी जॉब के समान कुछ भी नहीं है, चाहे आंधी हो या पानी आए आपको निरंतर आपकी सैलरी समय से मिलेगी। तो निरंतर मेहनत करते रहिए, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी जरूरी नहीं है फिर आए, और एक बार उम्र निकल गई फिर सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए आपके पास उम्र है और मौका है और समय है, तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और मेहनत कीजिए क्योंकि एक सीट हर हाल में लेनी है। जय हिंद।